8 साल के एक छोटे बच्चे ने एक गांव से शहर में आके किस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, किस तरह से आज अपना बिजनेस है जो सेटअप किया। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी में 5th एपिसोड है, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में रात। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हरीश चंद्र शर्मा जी से। मेरा नाम हरीश चंद्र शर्मा, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे गाँव सुमेरपुर पट्टी गगवाड़ से हूँ, पोस्ट ऑफिस लवाली। सर, आप जो 8 साल की उम्र में उत्तराखंड से चंडीगढ़ में आ गए, बहुत छोटी सी उम्र थी जब आप यहाँ पे शिफ्ट कर गए, क्या रीज़न था ये? मैडम, रीज़न तो ये था भी मेरे पिताजी देहांत हो गया, तो मेरी उनके देहांत होने के बाद मेरे घर की स्थिति जो थी खराब थी, हम खाना भी नहीं मिलता था हमें गाँव में। तो मेरी माँ ने मेरे चाचा जी को पत्र लिखा, पत्र लिख के उन्होंने फिर रिप्लाई, उनका जवाब आया कि इसको मेरे पास भेज दो, मैं यहाँ पर इसको अपने साथ रख लूँगा। तो मेरी माँ ने किसी के साथ मुझे चंडीगढ़ भेज दिया। छोटी सी एज में पिता के देहांत के बाद जब आप चंडीगढ़ आए, तो आपने किस तरह से यहाँ पे काम वगैरह शुरू किया? मैडम, काम तो मैं पहले अपने चाचा के साथ रहा, चाचा जी की चाय की दुकान थी, तो उनके साथ में चाय, मैं भी चाय बनाता था। चाय बनाते बनाते मैं भी आस्ते आस्ते चाय सीख गया और सवेरे शाम चाय बनाता था और मालदाम से मैं पानी लाता था, वहाँ से कनस्तर भर के बैंगी में। तो सवेरे पानी भरना, उसके बाद स्कूल चल जाता था, शाम को फिर पानी भरना, फिर उसके बाद चाचा के साथ में अपना काम करता था, चाय वगैरह बनाता था चाचा के साथ। यही से मैंने अपने जीवन शुरू किया। वो जी बैंगी होती थी, एक बांस का डंडा होता था, बांस के डंडे में तार बांधकर, दोनों तरफ तार बांध के एक कनस्तर के बीच में लकड़ी का डंडा लगा के हैंडल लगाते हैं उसमें, तो दोनों कनस्तर टांग के बैंगी कंधे में रख के तो दूर से पानी लाना पड़ता था उस टाइम। तो सर, इस दौरान जो आपकी पढ़ाई थी, जैसे कि आप 8 साल की उम्र में यहाँ आ गए, तो आपने किस तरह से पढ़ाई की चाचा के साथ एक चाय की दुकान में काम करते हुए? मैं चाचा के साथ रहता था, तो चाचा जी ने मुझे 8वीं तक पढ़ाया मनी मारा स्कूल होता था मेरा, यहाँ से मनी मारा जाता था स्कूल में। चाचा जी ने 8वीं तक पढ़ाया, तो आगे उन्होंने पढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की, उन्होंने बोला कि मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी अपने 6 बच्चे थे, तो मुझे पढ़ाने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की, तो कहते हैं अब मैं तुझे पढ़ा नहीं पाऊँगा आगे, तो तू अपना कोई काम देख ले जिससे तेरा अपना गुजारा चल सके। मनी मारे यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, रेलवे स्टेशन के साथ में आगे जाके कच्चा रास्ता पगडंडी टाइप थी, दरवाजा सब बहुत लड़के वहीं जाते थे, सारे मेरे सहपाठी बहुत है यहाँ पर अभी, तो सब यहाँ से मनी मारे जाते थे 6वीं 7वीं और 8वीं। 8वीं पास तो मैंने मनी मारा से 1971 मार्च में की थी। तो सर, ये जो आपका टाइम था जब आपको चाचा ने बताया आप असमर्थ रहे, वो नहीं पढ़ा सकते, तो उस टाइम आप पे क्या बीती, फिर उसके बाद आपने क्या डिसीजन लिया? उस टाइम ऐसा था जी, उस टाइम मेरे पास तो कोई पैसा था नहीं, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी मेरे पास कोई पैसा था नहीं, तो मैं कुछ दिन ऐसे घूमता रहा। फिर यहाँ पर 2-4 लोग थे सरदार लोग, एक का नाम तो था जोगिंदर सिंह सैनी, जो कि सरकारी क्रेन थी यहाँ पर, उसके ऑपरेटर थे, और एक था प्रीतम सिंह सैनी जो यहाँ बर्मा ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, और एक था राम सिंह सैनी जो PWD का दफ्तर था यहाँ पर उसमें काम करते थे, और एक था शमशेर सिंह सैनी, वो भी VTC में ड्राइवर थे। तो उन चारों लोगों ने मुझे बोला कि हरीश तू यहाँ पर बैठ के चाय भेज ले, अच्छी चाय पिया करेंगे तेरे को। तो मैं एक पेड़ है वहाँ पर पीपल का, पीपल के नीचे बैठ के मैंने चाय बेचनी शुरू की। तो 1973 में HRT में जॉब करता था, उस टाइम जॉब करते करते मेरे पास एक कमरा था पीछे किराए में, मैंने कमरा भी ले लिया अपने रहने के लिए, छोटा सा कमरा लिया था उसमें, तो उसमें मैं अपना खुद रहता था और रात को नौकरी भी करता था और दिन में अपना चाय वगैरह बेचता था झुकी करके अपना। क्रेन से मशीन जो पेटी आती थी, पेटी में जो रस्सी डालते हैं उसकी एक पेटी का 10 रुपये मिलता था उस टाइम, मैंने वो काम भी किया उनके साथ। और उसके बाद एक सानी साहब होते थे जो मैनेजर होते थे HMT के, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने मुझे बोला भी ये ट्रैक्टर चला लेगा, मैं ट्रैक्टर चला लेता था, मैं HMT से ट्रैक्टर लाता था यहाँ पर, 10 रुपये मुझे उसके मिलते थे, तो यानी काफ़ी मैं एक चक्कर ही लगाता था, 2 चक्कर नहीं लगा पाता था क्योंकि मैंने अपनी दुकान भी देखनी होती थी, और इस दौरान एक चक्कर लगाता था चंडीगढ़ में। इस तरह से आप एक पेड़ के नीचे चाय बेचने लगे, तो फिर आपको कैसा लगा कि आपको आगे भी कुछ बढ़ना है या फिर एक चाय की दुकान तक ही आप सीमित थे, कैसी सोच रही है आपकी? मैडम, सोच तो कुछ नहीं थी, मुझे यही नहीं पता था मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। उस टाइम सिचुएशन रहती थी भी सवेरे रोटी खा ली, शाम की रोटी नहीं होता था, तो धीरे धीरे अपना जो ड्राइवर थे 4, उन्होंने मेरी हेल्प करी, चीनी उधार ली, पत्ती उधार ली, दूध उधार लिया, उन्होंने मुझे केतली ले आके दी, कप ले आके दिए, तो मैंने उस टाइम छोटी सी काम से शुरू किया, फिर रस
बिस्कुट वगैरह ऐसे थोड़ा 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 करके मैं 2 महीने लगातार मतलब पेड़ के नीचे बैठ के काम करता रहा। बारिश भी आती थी, धूप भी पड़ रही, जब बारिश आती थी तो मैं सामान इकट्ठा करके मैं अपना एक तरफ बैठ जाता था। इस दौरान आप रहते कहाँ थे? उस टाइम रहने का मेरे पास कोई साधन था नहीं मैडम, उस टाइम तो मैं ऐसे ही एक छप्पर के नीचे बैठ के सोता था उस टाइम, क्योंकि मेरे पास कोई था साधन था नहीं। एक बेंच होता था बड़ा सारा पड़ा हुआ, उसमें बोरी बिछा के वहीं पे सोता था मैं। तो उसके आगे फिर मैंने 2 महीने यहाँ रहने के बाद मैंने फिर एक दुकान ली सामने ही, क्योंकि मैंने सोचा भी एक दुकान ले लेता हूँ सामने, जिसका किराया मात्र 50 रुपये था। तो उसमें मेरा आगे काम भी चलने लगा और मुझे रहने की जगह भी मिल गई, दोनों काम मेरे उसमें होने लगे। तो यहाँ तक मेरा चाय का काम चलता रहा। तो धीरे धीरे आगे मैंने दाल सब्जी बनानी भी शुरू कर ली, दाल बनाता था, सब्जी बनाता था, ऐसे करके शुरू कर ली। तो ये जब आप दाल सब्जी वगैरह बनाते थे तो कैसे सीखा आपने एक चाय की दुकान पे रह के ये खाना वगैरह बनाना? तो घर में मेरी चाची बनाती थी दाल, अब दाल रहती थी पतीले में, दाल उबाली, नमक मिर्च डाल दिया, पहले तो टेस्ट का इतना होता नहीं था, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, दाल बन गई। फिर अपना सब्जी बनी है, घी डाला, जीरा डाला, गोभी बना दी, ऐसे करके आस्ते आस्ते सीख गया। रोटी भी बनानी, मैं ऐसे अपने आप सीखा रोटी बनानी भी, एक एक दो 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 चार रोटी करके बनाता मैं रोटी, अच्छी रोटी बनाने लगा उस टाइम में। मेरे पास कोई वो नहीं था, कोई मुझे कोई सिखाएगा, मैंने खुद अपना काम अपने हाथों से सीखा, अपने आप ही काम करता रहा हूँ शुरू से ही। क्या सर आज भी ऐसा होता है कि आप खुद खाना बनाते हैं? मैं आज भी खाना बनाता हूँ जी, मुझे बड़ा शौक है खाना बनाने का। आज भी अपने हाथ से जो मेरी दाल है, सब्जियाँ हैं, कई बार मैं खुद अपना बनाता हूँ। और जो मेरी दाल है, जब से मैंने होटल किया था उस टाइम से 53 साल हो गए हैं, उड़द की दाल मेरी अभी भी चलती है और वो मैं खुद अपने आप बनाता हूँ दाल को, उसमें सारे मसाले अपने आप डालता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी भी काम करूँ और मैं काम करता भी हूँ अभी भी काम करता हूँ। कई बार सब्जी अपना बनाता हूँ मैं, कई बार रस ज़्यादा हो जाता है कस्टमर का तो सवेरे कस्टमर बोलते हैं परोठे, तो मैं परोठे अपना बनाता हूँ सवेरे कस्टमर को, चाय बना के भी खुद लेता हूँ गाहक को, कोई कंप्लेंट कर देता है कि ये लड़की चाट नहीं बनाई, मैं फिर खुद जाता हूँ अंदर किचन में और किचन में जाकर खुद चाय बनाता हूँ, खुद उनके लिए परोठे खुद अपने आप बना के देता हूँ उनके लिए। और दाल फ्राई तो इतनी अच्छी करता हूँ कि आप भी कभी आओ तो खा के देखो मेरी दाल, बहुत बड़ी दाल खिलाऊँगा आपको मैं। मेरी शादी हुई थी उत्तराखंड के गाँव नमन पट्टी सतवंशियों पौड़ी गढ़वाल, जो मेरे ससुर जी थे दिल्ली में चपरासी थे और उनकी 7 बेटियां और एक बेटा था। तो जब मेरे साथ बात चली, मेरे ताऊजी ने बात कराई, तो जो उनकी बड़ी बेटी थी उसकी शादी मेरे साथ हुई। दड़ुआ गांव में उस टाइम पर लोग बहुत ही अच्छे होते थे, एक दूसरे की मदद करने वाले होते थे। तो मुझे दड़ुआ में सैनी परिवार, सारे सैनी परिवार होते थे दड़ुए में, तो सैनियों को मुझे बहुत प्यार मिला, अभी भी मिलता है लोगों को सैनियों का प्यार मुझे, इन्होंने मुझे बहुत मदद की, मेरे पास हर जगह मेरी हेल्प करते रहे हैं सैनी लोग जितने भी हैं, मुझे कभी बड़े प्यार से कोई शादी फंक्शन में इनका वो भी करना मेरे साथ, इन्होंने बहुत ही हेल्प की इन्होंने शुरू से मेरी, तो मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ कुल दरबार सैनियों का। आज के बच्चे बड़ा मुश्किल है जी, आज के बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम की मजबूरी होती थी हमारी, मैं उसमें नहीं करूँगा, मेरी हमारी मजबूरी होती थी, हमारे कोई साधन नहीं होते थे कोई भी, हमें काम करना पड़ता था। अब आजकल के बच्चे जो है 10 बजे तक सो के उठते हैं, रात को 1-1.5 बजे तक जागते रहते हैं, टीवी फोन ऐसे काम करते थे बच्चे, तो उठेंगे कहाँ से बच्चे? वो हमारे टाइम पर कुछ भी नहीं होता था, फोन भी नहीं होते थे उस टाइम, कोई टेलीविज़न नहीं होता था, मतलब हमारा आराम से लोगों के साथ बैठ के अपना पूरा टाइम पास करते थे, अपना दुख सुख बताते थे। आजकल को जमा है नहीं समय हुआ आजकल तो।